साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में, मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है। मैं आज उन सभी कम्युनिटी लीडर्स के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो दो गज दूरी और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वाकई कोरोना ने इस बार भारत समेत दुनिया भर में त्योहारों को मनाने का स्वरूप ही बदल दिया है, रंग रूप बदल दिए हैं।